के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। एच क्लासेस के करंट पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्राम में आज हम चर्चा करेंगे डिजिटल एथिक्स कोड 2021 के बारे में। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम कंपनियों को डिजिटल एथिक्स कोड 2021 के नियमों का पालन करने के लिए दिया गया समय 25 मई को समाप्त हो गया है। ऐसे में अगर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ने इन नियमों का पालन नहीं किया तो इन्हें भारत में बंद कर दिया जाएगा। आइए जानते हैं इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को। केंद्र सरकार ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय की तरफ से 25 फरवरी 2021 को 3 महीने का समय दिया था। डिजिटल कंपनियों को डिजिटल कंटेंट को रेगुलेट करने के निर्देश दिए गए थे। डिजिटल कंपनियों के लिए कंप्लायंस अधिकारी, नोडल अधिकारी आदि को नियुक्त करने के लिए भी कहा गया था। केंद्र सरकार के अनुसार जिन्हें भी नियुक्त किया जाए उनका कार्यक्षेत्र भारत में ही होना चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आपत्तिजनक कंटेंट की निगरानी, कंप्लायंस रिपोर्ट और आपत्तिजनक सामग्री को हटाना होगा। आइए जानते हैं डिजिटल एथिक्स कोड 2021 के बारे में। उपयोगकर्ताओं की संख्या के आधार पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मध्यस्थों को 2 समूह में विभाजित किया गया है, सोशल मीडिया मध्यस्थ और महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ। मध्यवर्ती इकाइयों सहित सोशल मीडिया द्वारा नियमों में सुझाई गई जांच पड़ताल का पालन किया जाता है तो उन पर सेफ हार्बर प्रावधान लागू नहीं होगा। सेफ हार्बर प्रावधानों को आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत परिभाषित किया गया है। मध्यस्थों को प्राप्त होने वाली शिकायतों के निस्तारण हेतु एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी और इस अधिकारी के नाम व संपर्क विवरण को साझा करना होगा। शिकायत अधिकारी भेजी जाने वाली शिकायत को 24 घंटे के भीतर प्राप्त करेगा तथा प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर इसका समाधान करना होगा। मध्यस्थों को कंटेंट की शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर उसे हटाना होगा या उस तक पहुंच को निष्क्रिय करना होगा जो किसी व्यक्ति की निजता को उजागर करते हो, किसी व्यक्ति को पूर्ण या आंशिक रूप से निर्वस्त्र या यौन क्रिया में दिखाते हो या बदली गई छवियों सहित छद्म रूप में दिखाते हो। ऐसी शिकायत या तो किसी व्यक्ति द्वारा या उसकी तरफ से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई जा सकती है। नए नियमों के अनुसार मुख्य अनुपालन अधिकारी, एक नोडल संपर्क व्यक्ति और एक रेजिडेंट शिकायत अधिकारी को नियुक्त करने की आवश्यकता है तथा नियुक्त किए जाने वाले सभी व्यक्ति भारत के निवासी होने चाहिए। एक मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित किए जाने की आवश्यकता है जिसमें प्राप्त शिकायतों का विवरण और शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण हो, साथ ही हटाई गई सामग्री का विवरण भी उल्लेखित हो। संदेश भेजने की प्रकृति में मुख्य रूप से सेवाएं प्रदान करने वाले महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों को सूचना देने से पहले प्रवर्तक की पहचान को सत्यापित करना होगा। कोर्ट के आदेश और सरकार द्वारा पूछे जाने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शरारती कंटेंट का ओरिजिनेटर बताना होगा। एचसी क्लासेस के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।